तो यार बैकएंड डेवलपर एक ऐसी फील्ड है जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ जॉब्स है। 80% ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपर्स वर्क एज बैकएंड इंजीनियर्स ऑनली। अच्छा बैकएंड इंजीनियर उसी को कहते हैं जो एमवीसी फ्रेमवर्क अच्छे से फॉलो करता है, बिजनेस लॉजिक को मॉडल्स में डालता है। एक जो चीज है जो कंप्लीट करेगी तुम्हें बैकएंड इंजीनियर में कि तुम्हें डिप्लॉय करना आता है नहीं आता। हाय मायसेल्फ पारेख हियर। सर इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं ए कंप्लीट रोड मैप टू बिकम अ ग्रेट बैकएंड डेवलपर। तो यार बैकएंड डेवलपर एक ऐसी फील्ड है जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ जॉब्स है, चाहे वो कोई स्टार्टअप हो चाहे बड़ी कंपनीज हो, सबको बैकएंड इंजीनियर चाहिए। 80% ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपर्स वर्क एज बैकएंड इंजीनियर्स ऑनली। तो यार बहुत ही इंपॉर्टेंट फील्ड है और मैं जो इस रोड मैप बताने वाला हूं तुम्हारे को वो सारी चीजें कवर करनी होगी टू बिकम अ ग्रेट बैकएंड इंजीनियर। तो यार बिल्कुल स्क्रैच से बताऊंगा कि हमें स्टार्ट कैसे करना है, क्या क्या इवेंचुअली अपने पाथ में हमें करना है, सो दैट इवेंचुअली वी बिकम अ ग्रेट बैकएंड इंजीनियर। सो स्टे टिल एंड ऑफ द वीडियो, और अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक एंड शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर अब तक नहीं करा है, और पक्का बता रहा हूँ अच्छे बैकएंड इंजीनियर बनोगे अगर ये पूरा रोड मैप ढंग से फॉलो करोगे। और इसके साथ साथ मैं रिसोर्सेज भी बताऊंगा जहां से तुम अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो, सीख सकते हो, फ्री रिसोर्सेज भी बताऊंगा। बस मैं चाहता हूं तुम एक अच्छे बैकएंड इंजीनियर बनो और इस वीडियो को अच्छे से एंजॉय करो एंड यू विल गेट टू लर्न अलॉट। ओके तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बैकएंड इंजीनियर का काम क्या होता है, ना इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, उसका एक्चुअली काम क्या है। देखो यार इवेंचुअली जो भी तुम फेसबुक में तुम ऐप यूज कर रहे हो, तुम वेबसाइट यूज कर रहे हो, सारा डेटा जो आ रहा है तो बैकएंड से होके आ रहा है, राइट? मोबाइल में डेटा देखते हो, वेबसाइट में डेटा देखते हो, मेरे कौन कौन से पोस्ट हैं, क्या क्या कमेंट्स हुए हैं, राइट? वो सारा डेटा बैकएंड पे स्टोर हो रहा है। तो बैकएंड इंजीनियर क्या करता है, तुमने बोला मेरे को ये वाले पोस्ट पे दिखाओ कौन कौन से कमेंट्स है, तो रिक्वेस्ट गई, सारे कमेंट्स लोड होके आए, मेरी कौन कौन सी फ्रेंड रिक्वेस्ट आई हुई है, राइट? मेरी कौन कौन सी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गई है, डिफरेंट डिफरेंट चीजें चलती हैं, है ना? मेरे को मेरी स्टोरीज दिखाओ इंस्टाग्राम की, राइट? मेरे को कितने लाइक्स मिले हैं, ये सारा डेटा बैकएंड इंजीनियर के पास होता है, राइट? वो सब कुछ प्ले अराउंड करता है, सारी चीजें कि कौन कौन सा डेटा कैसे कैसे दिखाना है, अच्छे से चले, ऑप्टिमाइजेशन लगाना कि अच्छा कोड हो जिससे कि जल्दी जल्दी लोगों को डेटा मिल पाए, ऐसा ना हो कि मैं कुछ डेटा मांग रहा हूँ और बहुत लेट हो रहा है, मैं लॉग इन कर रहा हूँ और बहुत लेट से लॉग इन हो रहा है, राइट? यूजर विल लूज द इंटरेस्ट इन द ऐप या यूजर विल लूज द इंटरेस्ट इन द वेबसाइट अगर चीजें स्लो होंगी। तो बैकएंड इंजीनियर का काम है डेटा सारा भेजना और जल्दी से जल्दी भेजना। दैट इज द मोस्ट क्रिटिकल रोल ऑफ अ बैकएंड इंजीनियर। तो यार ये चीजें हमें सीखनी होती है कि हमारे को बहुत सारी रिक्वेस्ट आएंगी और हमें उनको रिटर्न करना है और उनको हमें जल्दी से जल्दी रिटर्न करना है। ठीक है, दैट इज द रोल ऑफ अ बैकएंड इंजीनियर इन एनी स्टार्टअप और इन एनी कंपनी। अब हमें बैकएंड इंजीनियर अगर बनना है तो सबसे पहले हमें कैसे स्टार्ट करना चाहिए। देखो सबसे पहले थोड़ा सा एक्सप्लोरेशन वाला पार्ट होता है। एक्सप्लोरेशन का मतलब क्या है, सबसे पहले हमें HTTP के बारे में पढ़ना होता है, राइट? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल में हमें क्या क्या पढ़ना होता है, हमें बेसिकली समझना होता है, जैसे हमने google.com टाइप करा या कुछ भी वेबसाइट टाइप करी तो पीछे क्या रिक्वेस्ट गई, कौन कौन सी पैरामीटर्स गए, क्या एक स्टेटस कोड नाम की चीज होती है, उसका मतलब क्या है, थोड़ी थोड़ी बेसिक बेसिक चीजें पढ़नी होती है कि एक रिक्वेस्ट मारी मैंने तो पीछे बैकएंड के पास क्या क्या गया, क्या क्या पैरामीटर्स गए, क्या क्या उनके पास इनपुट गए। अब उसके बाद एक होता है रिस्पॉन्स, कि वो रिस्पॉन्स भेजता है, राइट? मैंने लॉग इन करा तो तुम्हारे को लॉग इन कर देगा, राइट? तुमने साइन अप करा तो तुम्हारे को साइन अप कर देगा, तो कुछ रिस्पॉन्स में भेजता है कि साइन अप सक्सेसफुली, राइट? कुछ ना कुछ स्टेटस कोड भेजेगा, 200 है मतलब ढंग से हो गया, कुछ एरर आया तो कुछ 403 कुछ आएगा, कोई ना कोई एरर आएगा, तो यू लर्न अबाउट स्टेटस कोड्स। तो ये रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के बारे में समझना होता है कि हमने भेजा, अच्छा चल गया तो कैसे आएगा, नहीं चला तो कैसे आएगा, राइट? दिस इज व्हाट यू लर्न इन HTTP, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स टाइप की चीजें हम पढ़ रहे होते हैं। अब इसके साथ साथ हमें थोड़ा सा रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्सेज में कैसे भेजते हैं रिक्वेस्ट, देयर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिक्वेस्ट, क्या होती है, गेट होती है, पोस्ट होती है, डिलीट होती है, ऐसी ऐसी डिफरेंट डिफरेंट चीजें पढ़नी होती है। गेट का मतलब क्या है कि यार मेरे को बस डेटा लाके दे दे, मैं मेरे को बता दे इस पोस्ट में कितने लाइक्स हैं, कौन कौन से कमेंट्स हैं, तो मैं पीछे कुछ डेटा स्टोर नहीं कर रहा हूं, आई एम जस्ट गेटिंग सम डेटा। पोस्ट रिक्वेस्ट जब मैं भेजता तो मैं कहीं ना कहीं पीछे स्टोर भी करूंगा, राइट? जैसे तुमने साइन अप करा तो पीछे स्टोर होगा, अच्छा ये बंदे का ईमेल ये है, पासवर्ड ये है, तो दैट्स अ पोस्ट रिक्वेस्ट। सिमिलरली कुछ डिलीट होता है, तुमने कमेंट डिलीट कर दिया तो दैट्स अ डिलीट रिक्वेस्ट। ऐसे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की रिक्वेस्ट होती है, उसके बारे में हमें पढ़ना होता है। कोई सा भी तुम बैकएंड फ्रेमवर्क यूज करो, सब में इसी टाइप की रिक्वेस्ट होंगी, तो हमें गेट, पोस्ट, डिलीट, ये सब चीजें थोड़ी थोड़ी चीजें हमें पढ़नी होती है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिक्वेस्ट कौन सी होती है।
एंड वंस यू गेट एन आइडिया, ये तुमने एक्सप्लोरेशन कर लिया, अच्छा अब मुझे समझ में आ गया रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्सेज का मतलब क्या है, HTTP का मतलब क्या है, नाउ माई बैक एंड वर्क विल स्टार्ट। अब मुझे एक्चुअली सीखना है, मुझे इन चीजों के पीछे रिक्वेस्ट भेजना, रिस्पॉन्स लाना, ये सब चीजों के अराउंड हमें काम करना है। अब उससे पहले राइट मैं बात करूं तो हमें एक फ्रेमवर्क चूज करना पड़ेगा कि यार कौन से फ्रेमवर्क में हम काम करेंगे। बैकएंड के बहुत सारे फ्रेमवर्क्स होते हैं, पाइथन विद जैंगो होता है, जावा होता है, Node.js होता है, Node.js जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है, राइट। देयर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रेमवर्क जिसमें तुम बैकएंड कर सकते हो, रूबी ऑन रेल्स है, सारे पॉपुलर हैं। थोड़ा सा पढ़ाई कर सकते हो कि तुम्हारे को कोई पर्टिकुलर फ्रेमवर्क चूज करना है तो कैसे चूज करें, आई थिंक नेट पे तुम्हें इनफ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी, वरना अगर एक फ्रेमवर्क भी सीख लेते हो तो दूसरा फ्रेमवर्क सीखना बहुत आसान होता है, राइट। अगर तुम मुझसे पूछोगे तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा Node.js, आज की डेट में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। और एक और रीजन है कि फ्रंट एंड जब तुम सीखते हो तो वहां जावास्क्रिप्ट सीखते ही हो, बैक एंड में भी जावास्क्रिप्ट आ जाती है तो अलग से कोई लैंग्वेज नहीं सीखनी पड़ती, तो मेरे को Node.js बहुत सही लगता है। और अगर तुम्हें ये Node.js के कॉरस्पॉन्डिंग तुम्हें बैक एंड डेवलपर के बारे में पढ़ाई करनी है तो हमारे पास एक बिल्कुल फ्री रिसोर्स बना हुआ है, Node.js का गाइडेड पाथ है, बिल्कुल उसमें बैकएंड में हमें पूरी चीजें जो मैं इस रोडमैप में बताने वाला हूँ वो सारी चीजें उसमें गिवन होगी, तुम वहां से अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो, बिल्कुल फ्री है, नोट्स के साथ है, MCQs के साथ है, बीच में कौन से प्रोजेक्ट्स करने हैं वो सब कुछ उसमें गिवन है, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, बस अच्छे से वहां से तुम पढ़ाई कर सकते हो, इसलिए मैंने Node.js बोला, वरना कोई सा भी फ्रेमवर्क चूज करो एंड यू विल गेट टू लर्न अ लॉट, ठीक है। तो उसके बाद हमें एक फ्रेमवर्क चूज कर लेना, अच्छा मैं बैकएंड जो सीखूंगा ना वो इस फ्रेमवर्क में सीखूंगा, राइट। नाउ वंस दैट इज डन, अब हमें एक चीज अपने से बात करनी है, क्या हमें थोड़ा बेसिक फ्रंट एंड आता है, बैकएंड फ्रेमवर्क चूज कर लिया बट अगर बेसिक फ्रंट एंड नहीं आता ना तो सीखने में थोड़ी दिक्कत होगी, तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा यार बेसिक सा फ्रंट एंड सीख लेना, HTML CSS JavaScript क्या होता है, थोड़ा सा बेसिक चीजें बना लेना, एक पेज बनाना सीख लिया, अगर इतना आता होगा ना तो बैकएंड सीखने में ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि वहां पर कहीं ना कहीं ये चीजें यूज होंगी, कुछ डेटा गेट करना है तो कहीं ना कहीं तो दिखाओगे, या तो ऐप में दिखाओगे या कहीं वेबसाइट पे दिखाओगे, तो वेबसाइट पे दिखाना थोड़ा कंपैरेटिवली इजी होता है, ऐप में दिखाना होगा तो पहले ऐप बनानी पड़ेगी, राइट। तो वो डेटा दिखाने के लिए, डेटा भेजने के लिए हमें थोड़ी सी बेसिक चीजें आती होंगी तो बहुत ज्यादा हेल्प होगा, तो अगर बेसिक फ्रंट एंड करा हुआ होगा तब जाके बैक एंड में जाना, वरना थोड़ा सा बेसिक फ्रंट एंड सीख लेना 30 दिन लगाकर जिसमें तुम्हें बेसिक फ्रंट एंड करना आ जाए। अब हम एक्चुअली बैक एंड स्टार्ट करेंगे, राइट, बैक एंड को सीखना स्टार्ट करेंगे, और बैक एंड को अगर हमें सीखना है अच्छे से तो हमें क्या क्या कौन किस फॉर्म में सीखना होगा, MVC फ्रेमवर्क के फॉर्म में सीखना होगा, मॉडल्स व्यू कंट्रोलर, राइट। मॉडल्स क्या होता है, व्हाट इज द मॉडल, मॉडल मींस जो भी तुम्हारे डेटा डिफरेंट डिफरेंट मतलब कौन कौन से होंगे, जैसे फेसबुक की बात करूं तो यूजर्स हो सकते हैं, कॉमेंट हो सकता है, पोस्ट हो सकता है, ये सारे सारे डिफरेंट मॉडल्स होंगे जिसके ऊपर तुम काम करोगे, तो यू शुड नो अबाउट योर मॉडल्स, तुमने वो डिफाइन कर लिए। व्यूज क्या होंगे, व्यूज इज जहां से तुम एक्चुअली जनरली रिक्वेस्ट वगैरह भेजोगे, गेट मतलब किसी पे क्लिक करके भेजना है, राइट, लॉग इन करोगे तो वो सारा कहां दिख रहा है, दैट इज अ व्यू, राइट, कि ये बंदा हमारे को रिक्वेस्ट कहीं ना कहीं भेजेगा। अगर ऐप होगी तो ज्यादा व्यूज पे काम नहीं होगा, फिर वो ऐप में जब तुम डेवलपमेंट करोगे वहां पर काम होगा। एंड अनदर थिंग इज कंट्रोलर, तो व्यू में तुमने कुछ क्लिक करा, लॉग इन क्लिक करा, वो तुम्हारे कंट्रोलर के पास आएगा, राइट। अब वो कंट्रोलर के अंदर लिखा होगा कि भाई इसमें क्या क्या करना है, तो दैट्स अ काइंड ऑफ अ MVC फ्रेमवर्क जो हमें लर्निंग के टाइम अच्छे से सीखना चाहिए। हमें कौन कौन से मॉडल्स है वो हमने MVC में जो M है उसमें डिफाइन कर दिया, व्यू में हमने वो सारे व्यूज दे दिए जहां से हम रिक्वेस्ट मारेंगे, और कंट्रोलर में वो सारी चीजें दे दी जहां से हम अपना रिस्पॉन्स रिटर्न करेंगे या फिर जो कॉल होना है वो कंट्रोलर के पास जाएगा, राइट। और इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि जो तुम्हारा बिजनेस लॉजिक है वो मॉडल्स में होना चाहिए, राइट। यूजर के कॉरस्पॉन्डिंग को चेंज करना है, वो सारे यूजर के मॉडल्स में डिफाइन होने चाहिए वो सारे फंक्शंस। अच्छा बैकएंड इंजीनियर उसी को कहते हैं जो MVC फ्रेमवर्क अच्छे से फॉलो करता है, बिजनेस लॉजिक को मॉडल्स में डालता है, एंड दैट्स हाउ वी लर्न एज अ बैकएंड इंजीनियर। तो तुम्हें अगर बैकएंड इंजीनियर में अच्छा करना है तो MVC फ्रेमवर्क अच्छे से फॉलो करो एंड इसी के थ्रू तुम लर्निंग करना, ठीक है। तो तुमने पढ़ लिया थोड़ा MVC फ्रेमवर्क के बारे में, अब एक्चुअली यू विल स्टार्ट क्रिएटिंग थिंग्स। तुम क्रड ऑपरेशंस के बारे में पढ़ोगे, क्रिएट कैसे करते हैं, अपडेट कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, ये सब चीजें बहुत ज्यादा पढ़ोगे, रीड कैसे करते हैं, तो यू विल स्टार्ट परफॉर्मिंग ऑपरेशंस। तो तुमने मॉडल्स बना लिए कुछ कुछ यूजर पोस्ट कमेंट्स के, तुमने क्रड ऑपरेशंस अप्लाई करना शुरू करा कि क्रिएट करना है, रीड करना है, तुमने डिफरेंट क्रिएट अ पोस्ट, डिलीट अ पोस्ट, लाइक अ पोस्ट, राइट, डिफरेंट डिफरेंट क्रड ऑपरेशंस लगाए, उनको एग्जीक्यूट करा MVC फ्रेमवर्क के साथ, एंड दैट्स अ बेसिक यू हैव डन एज अ बैकएंड इंजीनियर, राइट। तुमने बेसिक क्रड ऑपरेशंस अप्लाई करना शुरू कर दिया, व्यूज बना लिए जहां पर से तुम पोस्ट बना पा रहे हो, तुम लॉग इन कर पा रहे हो, साइन अप कर पा रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट चीजें कर पा रहे हो, एंड बेसिक MVC फ्रेमवर्क के साथ हम बेसिक बैकएंड इंजीनियर हमारा स्टार्ट हो गया है।
राइट। अब इसमें एक चीज आएगी तुम्हारी कि जब तुम्हारा डेटाबेस है राइट, कहीं ना कहीं तो वो डेटा स्टोर होगा राइट, तो तुम्हें डेटाबेस से कनेक्ट करना अब सीखना पड़ेगा। What we have done up till now is MVC framework सीख लिया, हमने CRUD operations basic apply कर लिए। अब तुम्हें एक challenge आएगा वहाँ पर, यार data कहाँ store करें, right? तो data store करने के लिए you need to connect with a database, Node.js कर ले तो MongoDB use करोगे, right? MySQL होता है, different there are databases, कोई सा भी एक choose कर लो, Node.js करो तो definitely I will recommend MongoDB use करो, अच्छे से उसमें data store होता है, तो तुम्हारा बस वो तुम्हारी जो headache है ना कि डेटा कहां स्टोर होना है वो MongoDB में स्टोर हो जाएगा और तुम्हारी वो हेडेक दूर हो जाएगी कि मेरा डेटा तो स्टोर हो पा रहा है राइट। तो हमने MVC फ्रेमवर्क करा, CRUD ऑपरेशंस अप्लाई करे एंड डेटाबेस से कनेक्ट कर दिया, आई थिंक हमारे को जो बेसिक चीजें आनी चाहिए एज अ बैकएंड इंजीनियर हम बहुत अच्छे से कर चुके हैं राइट। तो दीज आर द थिंग्स व्हिच वी हैव फुलफिल अप टिल नाउ। नाउ अब हम इस चीज को थोड़ा सा अब हम गिटहब पे डालेंगे, अपना जो भी अपना बेसिक प्रोजेक्ट बनाया है हमने, सो बेसिक सोशल मीडिया बनाया या बेसिक कुछ भी बनाया हो, उसको हम उठा के गिटहब पे डालेंगे। गिटहब क्या होता है, एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम होता है जहां पर तुम्हारा सारा कोड स्टोर हो जाए। अभी तुम्हारा सब कुछ लोकल में है तो थोड़ा सा गिटहब के बारे में पढ़ो या बिट बकेट के बारे में पढ़ो, यहां पर चीजें कैसे डालें राइट, थोड़ा सा गिट के साथ कनेक्ट करो, बिकॉज अब जो भी चीजें करोगे तुम गिट के साथ कनेक्ट करके करना, कि तुम्हें कुछ भी छोटा छोटा कोड का चेंज हो रहा है तो तुम्हारा कहीं ना कहीं कोड स्टोर हो रहा है राइट। सो यू विल बी एबल टू मेक अ रिपोजिटरी जहां पर तुम्हारा सब कुछ कोड है, रेदर देन इन द लोकल सिस्टम तुम्हारे को बेसिक वर्जन कंट्रोलिंग आ जाएगी, जिससे कि अब तुम अगर प्रोजेक्ट में किसी और बंदे के साथ काम कर रहे हो तो उसको अगर डाउनलोड करना है कोड तो वो गिटहब से डाउनलोड कर लेगा। नाउ देयर आर मल्टीपल पीपल हु कैन वर्क ऑन अ सेम प्रोजेक्ट, तो तुम थोड़ा वर्जन कंट्रोलिंग सिस्टम के बारे में सीख जाओगे राइट। तो बेसिक हमारा प्रोजेक्ट रेडी हो गया, हमने उसको गिटहब पे भी डाल दिया। अब जो छोटी छोटी चीजें हैं इन द बैकएंड इंजीनियर जो आनी चाहिए हमें एज अ बैकएंड इंजीनियर, हमें क्या क्या आना चाहिए, हमें थोड़ा क्यूज के बारे में आना चाहिए, मतलब कुछ ऐसी रिक्वेस्ट होंगी जिसमें ऐसा नहीं उसी टाइम डेटा देना है यूजर को। मान लो यूजर ने बोला मेल करनी है मेरे को इस पे भेजने पे, तो मेल एक सेपरेट प्रोसेस है जो अपने आप में अलग से चलता रहेगा, तो वो क्यूज में चलता है राइट। या कोई ऐसी लंबी रिक्वेस्ट है कि तुम्हें बहुत सारा डेटा एकदम से स्टोर करना है तो उसको तुम क्यू में डाल दोगे, यूजर को रिटर्न कर दो कि भाई आधे घंटे बाद तेरा ये डेटा, तेरे को ये मेल आ जाएगी या तेरा ये डेटा स्टोर हो जाएगा, सो दैट वो आधे घंटे की रिक्वेस्ट है तो उसको इमीडिएटली ना मिले। तो ऐसी चीजें हम क्यूज के थ्रू करते हैं। तो पढ़ोगे तुम क्यूज कैसे डालते हैं अपने बैकएंड फ्रेमवर्क में, हर बैकएंड फ्रेमवर्क में होता है, दैट्स अ वेरी क्रिटिकल टास्क। तो क्यूज के बारे में पढ़ोगे, उसके बाद तुम रेडिस के बारे में पढ़ोगे राइट, तुमने कहीं ना कहीं ये सर्वर्स के बारे में कि यार कैश वगैरह कैसे करते हैं, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि जब तुम डेटा एक तो डेटाबेसिस से कनेक्शन है बट कोई ऐसी बार बार कोई रिक्वेस्ट मारे जा रहे हैं राइट, कॉमन रिक्वेस्ट है जिसमें तुम्हें बार बार डेटाबेसिस से फेच करने की जरूरत नहीं है, कि सर्वर ऑलरेडी अपने पास कैश कर लेता और वो डेटा रिटर्न कर लेता, तो थोड़ा सा रेडिस के बारे में पढ़ोगे, दैट्स द थिंग यू शुड नो एज अ बैकएंड इंजीनियर, वेरी क्रिटिकल पार्ट। तुम थोड़ा सा APIs के बारे में पढ़ोगे। देखो मैंने क्या बोला था, डेटा जो है वो मोबाइल से मांगो, वेबसाइट से मांगो, हर जगह से कॉमन है, एंड्रॉइड से मांगो, iOS से मांगो, फेसबुक ऐप में लॉगिन कर रखा है, कहीं से भी कर रहे हो तो तुम्हारे को डेटा तो कॉमन है, तो तुम एक API काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बनाते हो राइट। API में क्या हेल्प होती है कि भाई तुम्हारा जो है कोड कॉमन है, चाहे वो एंड्रॉइड ऐप से है चाहे वो iOS है, कोड कॉमन है, तो इट्स अ एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, आई थिंक दैट्स अ वेरी क्रिटिकल रोल। तुम कोई भी एक बैकएंड इंजीनियर हो तुम कहीं ना कहीं APIs का यूज करोगे, बिकॉज लॉगिन करना है वो एंड्रॉइड से करे, iOS से करे, वेबसाइट से करे, तीनों जगह से कॉमन है, सो यू विल राइट लॉट ऑफ APIs। कोई सी भी चीजें फंक्शनैलिटी करनी है सो यू विल लर्न अ लॉट अबाउट APIs, है ना। APIs में क्या होता है, कॉमन URL है जिसपे हिट होगा, एंड उस URL पे जब हिट होता है तो तुम्हारा कोई कंट्रोलर का फंक्शन कॉल होता है जिसको तुम इफेक्टिवली मॉडल से कनेक्ट करते हो, वो तुम्हारे को पूरा बिजनेस लॉजिक लाके डेटा देता है और तुम उसको फिर एज अ रिस्पॉन्स भेज देते हो। सो यू विल लर्न अ लॉट अबाउट APIs कि हमारे को डिफरेंट जो भी हमारा बिजनेस है या जो भी हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसमें कौन कौन सी डिफरेंट APIs हो सकती हैं, वो हम बनाने की कोशिश करेंगे, एंड मोस्ट थिंग्स विल बी कवर्ड अंटिल दिस। अब तुम्हें जो भी एज अ बैकएंड इंजीनियर आना चाहिए था वो तुम्हें आ चुका है राइट। तुम्हें बेसिक फ्रंट एंड आता है, तुम्हें MVC फ्रेमवर्क का यूज करना आता है, तुम्हें CRUD ऑपरेशंस आते हैं, तुम्हारे को डेटाबेस से कनेक्ट करना आता है, तुम्हारे को क्यूज के बारे में पता है, तुमने गिटहब पे भी डाल लिया, तुम्हारे को रेडिस सर्वर के बारे में पता है, तुम्हें APIs के बारे में पता है, यू हैव बिकम अ ग्रेट बैकएंड इंजीनियर। एक जो चीज है जो कंप्लीट करेगी तुम्हें बैकएंड इंजीनियर में कि तुम्हें डिप्लॉय करना आता है नहीं आता राइट। अभी जो भी तुम सब कुछ कर रहे हो अपने लोकल पे कर रहे हो, बट नाउ यू विल लर्न कि मेरे को अब रिक्वेस्ट कोई मारेगा तो वो google.com पे टाइप मारेगा ना। अभी तुम्हारा क्या लोकल होस्ट कोलन 8000,
बट एक्चुअली तो google.com करना है, तो हमें एक वेबसाइट का URL लेके वहां पर अपने को अपनी जो ये जो हमारा पूरा प्रोजेक्ट है उसको डिप्लॉय करेंगे। तुम AWS यूज कर सकते हो, तुम माइक्रोसॉफ्ट Azure यूज कर सकते हो, बहुत सारे डिफरेंट है। हाईली रिकमेंड AWS है, मैंने पर्सनली यूज करा है, बहुत आसान होता है ना, उसको यूज करो, वहां पर अपना जो प्रोजेक्ट है उसको डिप्लॉय करो। एक URL शायद तुम्हें खरीदना होगा, वरना AWS वाले भी कुछ एक अलग से URL दे देते हैं, वो भी यूज कर सकते हो, बट डिप्लॉय करो, बिकॉज बैकएंड इंजीनियर का रोल है ये डिप्लॉय करना, उसे आना चाहिए। और जो भी रिक्वेस्ट है, कोई भी लोकल स्कूल 8000 पे नहीं मारेगा, एक कॉमन URL होगा जहां पर सारी रिक्वेस्ट जाएंगी, चाहे वो ऐप हो, चाहे वो वेबसाइट हो, चाहे कुछ भी हो, राइट? तो हमें ये चीजें सीखनी है, हमें डिप्लॉय करना अच्छे से सीखना है। नाउ यू हैव बिकम अ कंप्लीट बैकएंड इंजीनियर, हमें सारी चीजें आ गई हैं जो एक बैकएंड इंजीनियर को आनी चाहिए। आई थिंक ये सारी चीजें करने के बाद अब तुम प्रोजेक्ट्स में, जो भी तुमने साथ साथ प्रोजेक्ट बनाए उसमें और चीजें ऐड करते रहो, और APIs ऐड करते रहो, और फंक्शनैलिटी ऐड करते रहो, बट बेसिक जो बनना था, हमें क्या क्या चीजें आनी चाहिए, वो सारी कवर हो चुकी हैं, कोई स्किल लैक नहीं करेगी। और ये चीजें अगर सारे टिक मार्क कर लोगे तो एक अमेजिंग बैकएंड इंजीनियर बनोगे, ठीक है? तो इस पूरी वीडियो को कहीं ना कहीं लिख लेना, चेक पॉइंट्स, अपने पॉइंट्स लिख लेना, मुझे ये सारी चीजें आनी चाहिए और एक अच्छे बैकएंड इंजीनियर बन के निकलना, ठीक है? तो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर पसंद आई थी वीडियो तो लाइक एंड शेयर कर देना, डेफिनेटली सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और कोई चीज मुझसे रह गई हो जो मैंने कवर ना करी हो, या कोई और तुम्हारी रिक्वेस्ट हो, तो कमेंट बॉक्स में बताओ, मिलकर डिस्कस करेंगे। आई विल हाईली अप्रिशिएट। अच्छे से बैकएंड इंजीनियर सीखो, रिसोर्स मैंने बताई दिया, हमारा फ्री गाइड बात है कोड स्टूडियो पे, जाके एक्सप्लोर आउट करो, प्रैक्टिस करो, प्रोजेक्ट्स बनाओ, और बहुत अच्छा करोगे लाइफ में। ओके, गुड लक।